लेक्चर 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हो? व्हाई वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? एंगेजमेंट लोग क्यों करते हैं? शादी करने के लिए। नहीं, अभी पापा बहुत बोल रहे हैं तो चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं, बाद में शादी से पहले भाग जाएंगे, ऐसा नहीं चलता है। Why we are entering into a contract? We need to perform. We require to perform. Purpose should be the to do it, to abstain it. आपको मालूम है contract positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। मैंने जो बोला है, जैसे बोला है, वैसे ही मुझे करना है, तो ही हम बोल पाएंगे कि हमने परफॉर्म किया है। कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्त डाली हुई, उस शर्त के मुताबिक हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो भी हम उसमें से हमें मुक्ति मिलेगी, रिहाई मिलेगी, हम डिस्चार्ज होंगे। कॉन्ट्रैक्ट कब तक सब्सिस्ट है? अंटिल इट इज डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सिस्ट अंटिल इट इज परफॉर्म्ड। हमने जो बोला था वो जब तक किया नहीं है तब तक हम लायबल रहेंगे, जवाबदार रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट जीवंत रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सिस्ट अंटिल इट इज परफॉर्म। मैंने आपको बोला था 10,000 में नेक्स्ट मंथ आपको दूंगा, मैं आपको जब तक 10,000 नहीं दूंगा तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट रहेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो सब्सिस्ट रहेगा। What is actual performance? दो वर्ड्स है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। शादी की बारात आई, लड़की को लेके गई, दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। शादी की बारात आई, लड़की ने मना बोला, वैसे ही वापिस गई, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। दुकान वाला आया, आपने जो एक टीन बोला था ऑयल का वो दे के गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैंने आपको बोला था मैं मनी दे रहा हूं, मैंने आपको मनी दे दिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैंने जो बोला है वो मैंने किया है, आपने वो ले लिया है, इट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैं आपके घर मनी देने आया, आपके घर ताला था, ऑयल का टीन देने के लिए दुकान वाला आया, लेकिन आपने कहा रखना, वो बोला ही नहीं उसको, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। प्रॉमिसर हैज परफॉर्म व्हाट एवर ही हैज टू डू, बट प्रॉमिसर हैज नॉट प्रोवाइडेड सफिशियंट फैसिलिटी एट दैट टाइम। प्रॉमिसर डिस्चार्ज and promiser can ask the compensation. Actual performance means what you are required to do, you have done it. आपको जो करना था वो आपने किया है. Done is obligation within the time and manner prescribed. यानी मैंने तो performance किया, रात को 2 बजे शमशान में आ जाना, गाड़ी जो 10 दिवाली के अगले दिन मैं आपको दे दूंगा, ऐसा नहीं चलता। Business hours, business day, business time, business place, time and manner prescribed. किस तरीके से करना है, किस समय पे करना है, वो जो बोला है उसी तरीके से आपको जवाबदारी आपकी पूर्ण करनी है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है। एक्चुअल परफॉर्मेंस नेक्स्ट, दैट इज अटेम्प्टेड और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। यू आर रेडी टू गिव, प्रॉमिस इज ऑफर टू परफॉर्म, बट प्रॉमिस इज रिफ्यूज। लड़का तो मर्सिडीज BMW लेके आ गया, लेकिन लड़की ने बोला नहीं, मुझे लड़का नहीं चाहिए, आपकी बात वापिस ले जाओ। प्रॉमिसर डिस्चार्ज, प्रॉमिसर को दूसरा अच्छा मॉडल मिल जाएगा, प्रॉमिसर डिस्चार्ज हो जाएगा, और वैसे वैसा प्रॉमिसर ने बहुत कॉल किया, तो भारत लेके आना भाई, मर्सिडीज नहीं फंटी भी चलेगी, तो आना भाई, प्रॉमिसर ने बोला, प्रॉमिसर आया ही नहीं, प्रॉमिसर ने दूसरा अच्छा मॉडल ढूंढ लिया, वैसे वैसा उल्टा, प्रॉमिसर आया, प्रॉमिसर ने नहीं लिया, प्रॉमिसर डिस्चार्ज, प्रॉमिसर ने बोला, प्रॉमिसर ने नहीं दिया, प्रॉमिसर डिस्चार्ज। मैंने फोन किया आज शाम को 6 बजे मुझे टिन ऑयल भेज देना, दुकान वाला आया ही नहीं, मैं दूसरी जगह पे लेके आ जाऊंगा, दूसरे दिन वो आएगा उसको मना बोल दूंगा। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस व्हाटएवर रिक्वायर्ड आई हैव परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस आई रेडी टू परफॉर्म, बट अदर पार्टी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, दूसरा लेने के लिए तैयार नहीं है, दैट इज नथिंग बट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? हमने पहले देखा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए किया जाता है,
सिर्फ टाइम पास के लिए कॉन्टेक्ट नहीं होता है, नहीं नहीं अभी हाँ बोल दो बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें जो करना था उसीलिए तो हमने कॉन्टेक्ट किया है। कौन परफॉर्म करेगा? जिसने प्रॉमिस किया है वो करेगा, प्रॉमिसर हिमसेल्फ। नहीं नहीं सर, आपने तो बोला था कि थर्ड पार्टी टू द कंसीडरेशन, स्ट्रेंजर टू ए कंसीडरेशन, थर्ड पार्टी कैन गिव द कंसीडरेशन। हाँ, थर्ड पार्टी कैन गिव द कंसीडरेशन, थर्ड पार्टी कंसीडरेशन दे सकती है, आप सही समझ रहे हो। लेकिन जहां पर्सनल स्किल होगी वहां पे, भाग्येश की शादी है, भाग्येश बोलेगा मैं बहुत बिजी हूँ, ऑडिट सीजन है, जाना हो जाए तो भारत लेके जा और शादी करके लेके आ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ऐसा नहीं चलता। पर्सनल कॉन्फिडेंस इज इन्वॉल्व, ट्रस्ट इज इन्वॉल्व, ट्रस्ट इज रिपोज। यहाँ पे एक दूसरे पर विश्वास है, इसीलिए लड़की ने हाँ बोला है। लड़की को उदय पे विश्वास है, नहीं कि भाग्येश पे। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट यहाँ पे पर्सनल कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व है। जहां पे पर्सनल कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व है वहां पे उसी बंदे को परफॉर्म करना है। सिंगिंग का कॉन्टेक्ट था, मिस ए बहुत अच्छा सा गाना गाती थी, लेकिन उसको कोरोना हो गया, तो आप क्या उसको बुलाओगे? नहीं नहीं आप बताना, आप बताना, हमें भी हो जाएगा। अभी मैं ये बोलना चाहता हूं मिस अनेबल टू कम देयर, तो क्या उसका रिलेटिव आ जाएगा, चलेगा? नो, स्किल इज इन्वॉल्व, कौशल्य इज इन्वॉल्व। उसका जो गला है ऐसा किसी का नहीं है। यहाँ पे पर्सनल स्किल है, कॉन्फिडेंस है। पेंटिंग जैसा कॉन्टेक्ट है, इन्हें बोला था तेरा मैं अच्छा सा पेंटिंग ड्रॉ करके दूंगा, ये मर गया, राम बोलो भाई राम। तो क्या एक वारिसदार है, वारिसदार है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या ड्रॉ करके देगा आपको, चलेगा? सबसे पहले प्रॉमिस हिमसेल्फ परफॉर्म, जहां स्किल है, जहां डिलीजेंस है, जहां पर्सनल ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप को ही परफॉर्म करना है। लाइक पेंट है पिक्चर, मैंने बोला था मैं आपको पिक्चर पेंट करके दूंगा मेरे मरने के बाद, और कोई डो नहीं कर सकता। शादी में भारत लेख को बदा जाए जाएगा। सर्टेन कॉन्टेक्स्ट है जहां पे स्किल की जरूरत नहीं है, अदर्स ट्रस्ट भी की वजह से नहीं है, नॉर्मल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल से पेमेंट ऑफ मनी, मैं दू या चंदू दे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में टू द एजेंट आप परफॉर्म कर सकते हो। नो पर्सनल कॉन्फिडेंस, प्रोमिसर मे एम्प्लॉय अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। अदर कोई मेजर है, साउंड है, सक्षम व्यक्ति है, उसको आप काम सौंप सकते हो, दे सकते हो। मुझे चंदू को मनी देना है, मैं मंगल को बोलूंगा जात दे के आ जा, चलेगा। इट्स ए नथिंग बट थ्रू द एजेंट, बिकॉज देयर इज नो पर्सनल कॉन्फिडेंस, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि। जब ये मर जाता है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वारिसदार बोलते हैं, जो वारसे में जिसके पास आता है ये सब प्रॉपर्टी लायबिलिटीज, उसको पे करना है। After death of the promisor, liable up to property received, underline to the friend, A मर गया, A का बेटा B, A की liability pay करेगा, लेकिन A ने 10 लाख का मिलकत असेट रखा था, तो 50 लाख की जवाबदारी रखी थी, liability रखी थी, उसका son B pay करेगा सिर्फ 10 लाख, क्यों? पापा की जितनी मिलकत पड़ी हुई ना, उतनी जवाबदारी तक बेटा liable है, उससे ज्यादा नहीं। पापा बहुत उदार है, दिलबंद है, सभी को देते फिरते हैं, पापा की 50 लाख की जवाबदारी थी और 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, उसका बेटा सिर्फ 10 लाख ही पे करेगा। आफ्टर डेथ ऑफ प्रॉमिसर लायबल अप टू प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन इनहेरिटेंस, वारसाई में जो मिला है तब तक ही लायबल है, अनलेस पर्सनल कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। पापा का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कुछ ऐसा कंसिडरेशन इन्वॉल्व था, पर्सनल कंसिडरेशन, लाइक पापा का पेंटिंग का कोई कॉन्टेक्ट होगा, पापा मर जाएंगे तो बच्चा पेंट करके देगा, तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे स्किल इन्वॉल्व है। थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर, आप एक रास्ते में से निकले, ए बी को बहुत ही मार रहा था, मेरे 100 रुपीज दे दे, आपको दया आ गई, 100 के लिए बी को मार रहा है, चल भाई 100 ले निकल यहां से,
Tommy C accepted the performance from the stranger. मैं stranger था, मेरे पास 100 ले लिया, accept कर लिया है. He again cannot ask to promiser although it is not certified or authorized by the promiser. Promiser ने हाँ भी नहीं बोला था, certify भी नहीं किया था, लेकिन ले लिया था. उसका मतलब आप बाकी की रकम ही मांग सकते हैं, टोटल अमाउंट नहीं. ए बी को मार रहा था, मैंने ए को पेमेंट कर दिया, बी को मालूम नहीं है, बी ने रेटिफाई नहीं किया है, बी ने ऑथराइज नहीं किया है, बी ने मंजूरी नहीं दी है, तभी भी बाद में ए बी से मनी नहीं मांग पाएगा. क्यों? ऑलरेडी आई ओपीड एट वंस कंसिडरेशन इज पेड बाय स्ट्रेंजर, इट इज एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसी, ही कैन नॉट अगेन आस्क फ्रॉम प्रोमिसर. वंस सी पेड मनी टू ए, he cannot again ask to B for the same amount on behalf of A. C has paid to B without knowledge of A. B cannot ask from A. Friends, संयुक्त वचन, joint commission. A और B ने साथ में मिलकर C को बोला है, मैं तुझे 5 लाख दे दूंगा. A and B ने साथ में मिलकर बोला है, C मैं तुझे 5 लाख दे दूंगा. It's a what? हाँ, 5 लाख दे दूंगा बोला है, जॉइंट प्रॉमिसर है. जॉइंट यानी संयुक्त, एक से ज्यादा प्रॉमिसर है. जो वचन दे रहे हैं ना वो भी एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा प्रॉमिसर है. दे आर लायबल जॉइंटली एंड सिवरली. ए एंड बी ने साथ में मिलकर सी को बोला था कि मैं तुझे 5 लाख दे दूंगा. ए और बी साथ में 2.5 लाख पे करेंगे. ए मर जाएगा तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड बी साथ में पे करेगा. ए भी मर गया, बी भी मर गया, दोनों को कोरोना. ए और बी दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, ए एंड बी दोनों के रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो साथ में मिलकर 2.5 लाख रुपीज पे करेंगे. दे आर लायबल जॉइंटली, जॉइंटली, जॉइंटली ए एंड बी साथ में, ए का रिप्रेजेंटेटिव एंड बी, ए एंड बी दोनों का रिप्रेजेंटेटिव लायबल है. लेकिन A becomes the insolvent, A unable to pay, at that time B will pay full amount to C. A ने बोल दिया मुझे पे नहीं करना है, A गुम हो गया, B पूरे 5 लाख पे कर देगा. बाद में A से अपना अपना शेयर मांगेगा. A और B दोनों साथ में मिलकर 2.5 लाख देने वाले थे, B ने पूरा 5 लाख दे दिया. अभी B A से 2.5 लाख के लिए मुकदमा चलाएगा, ए से 2.5 लाख क्या मांगेगा. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रोमिसर दे आर प्रोमिसर लायबल, आफ्टर डेथ एनी और ऑल दे रिप्रेजेंटेटिव लायबल. लाइफ टाइम जब उसका जीवन काल चल रहा है, वो जिंदा है तब तक वही लायबल है, उसके मरने के बाद जो गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है. लायबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर अकेले भी लायबल है और संयुक्त भी लायबल है. इसीलिए बोलते हैं दे आर लायबल जॉइंटली एंड सिवरली. अगेन जॉइंटली साथ में मिलके, सिवरली अकेला. 5 जॉइंट प्रोमिसर थे, ऑल 4 बिकम्स अनेबल, ऑल 4 पे नहीं कर रहा है. एक अकेला आदमी, सीधा साधा अच्छा आदमी, उसको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा. इसीलिए बोला ड्यूरिंग द लाइफ टाइम प्रोमिसर आफ्टर डेथ एनी और ऑल द रिप्रेजेंटेटिव विल बी लायबल. When one makes the default, जब कोई एक बंदा default करेगा, तब other promiser is liable for the whole contract. कोई भी एक बंदा default करता है, A B C था, A default करेगा तो B C pay करेगा, A B default करेगा तो C अकेला pay करेगा. किसी ने कुछ भंग किया है, गलती की है, नहीं pay कर रहे हैं, तो बाकी जो जो बचे हैं ना, उसको payment करना पड़ेगा. लेकिन बाकी के जो बचे हैं, उसमें से कोई एक payment कर देगा, तो जिसने पेमेंट किया है वो बाकी के पास से मांग सकता है. एबीसी की जगह पे ए ने पूरे अमाउंट का पे कर दिया है, तो ए बी और सी से उसका हिस्सा ले सकता है. 3 लाख साथ में मिलके एबीसी ने प्रॉमिस दिया था, ए ने 3 लाख पे कर दिया, तो बी एंड सी से 1-1 लाख ले पाएगा, बी एंड सी से 1-1 लाख ले पाएगा. इफ एनी प्रॉमिस अनेबल टू पे इज सेल, other promiser will suffer deficiency of such promiser in equal share.
एबीसी को एक एक लाख देना था, ए असक्षम है पे नहीं करेगा, तो बी एक पचास एक पचास यानी 1.5 लाख 1.5 लाख पे करेंगे। अभी डोमिसी ने ए को रिलीव कर दिया, बी और सी ने साथ में मिलकर एक पचास पे किया है, तो बी और सी ए को छोड़ेंगे नहीं, वो ए से कलेक्ट कर सकते हैं। डोमिसी को डोमिसी को रिलीव करेंगे, उसका मतलब अदर डोमिसर रिलीव कर रहे हैं वैसा नहीं है, अदर डोमिसर तो रिसीव करेंगे ही। इफ डोमिसी रिलीव्स टू एनी डोमिसर, डोमिसी है वो डोमिसर को रिलीव कर रहे हैं, जहां तुझे मुक्त किया, माफ किया, छोड़ दिया, नहीं चाहिए, डोमिसी ने रिलीव कर दिया। एबीसी ने साथ में मिलकर सी को बोला 3 लाख दूंगा, सी ने ए को रिलीव कर दिया, जा तेरे से नहीं चाहिए, तो गरीब आदमी है, ए विल बी रिलीव फ्रॉम द सी, बट नॉट अगेंस्ट बी एंड सी, बी एंड सी उसको नहीं छोड़ेंगे। एबीसी ज्वाइंट डोमिसर है, 3000 देना था, पुराना टाइम है, ए मर गया तो ए का रिप्रेजेंटेटिव एंड बीसी साथ में मिलकर पेमेंट करेंगे, एबीसी तीनों मर गए तो तीनों के रिप्रेजेंटेटिव साथ में मिलकर पेमेंट करेंगे। ए ने पे कर दिया है 3000, ए बी और सी से 1000 ले सकता है, ए अनेबल है, ए पे नहीं कर सकता है, उसके पास मनी नहीं है, तो टोटल 3000 बी एंड सी पे करेंगे 1500 1500। इफ डी रिलीव टू ए, डी ने ए को छोड़ दिया, तो डी के अगेंस्ट में ए डिस्चार्ज, बी और सी के अगेंस्ट में ए लायबल। ये आपके एग्जांपल से सब क्लियर हो जाता है। पहले एबीसी ने साथ में मिलकर 3000 बोला था, जिंदा था तब इस एबीसी साथ में 1000 देंगे, मर गया तो एक रिप्रेजेंटेटिव 1000 और बीसी 1000, तीनों मर गए तो तीनों के रिप्रेजेंटेटिव 1000। ये अनेबल टू पी है तो बीसी 1500 1500 पे करेंगे और बीसी ए से कलेक्ट करेंगे। अभी डी ने ए को रिलीव कर दिया है तो बीसी 1500 1500 पे करेंगे, लेकिन बीसी ए से कलेक्ट कर लेंगे राइट्स ऑफ जॉइंट डोमिसी। फ्रेंड्स, लायबिलिटी जॉइंटली एंड सिवरली, याद रखो, लेकिन राइट्स ओनली जॉइंटली, संयोग, लायबिलिटी जॉइंटली एंड सिवरली, एलएस सिवरली आल्सो, लायबिलिटी सिवरली, अकेले भी लायबल है, एबीसी है, बीसी पे नहीं करेगा तो ये अकेला भी पे करेगा, जवाबदारी जॉइंटली, लेकिन राइट, सॉरी, जवाबदारी जॉइंटली एंड सिवरली, लेकिन राइट ओनली जॉइंटली। एबीसी साथ में बैठे थे, डी ने बोला मैं आपको 5 लाख पे करूंगा, यहाँ पे एबीसी है ना, वो जॉइंट डोमिसी है, एबीसी को मनी मिलने वाले हैं, डी अकेला है, डी ने बोला मैं एबीसी आप तीनों को टोटल 5 लाख पे करूंगा, ये अकेला डी पे सीयू नहीं करेगा, बी अकेला नहीं करेगा, सी अकेला नहीं करेगा, तीनों साथ में मिलकर सीयू कर पाएंगे। राइट यूटिलाइज करना है तो तीनों को साथ में मिलना है, और जवाबदारी है तो अकेले को भी पे करना है। ओनली जॉइंटली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम डोमिसी जॉइंटली कैन सीयू आफ्टर डेथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद अदर सर्वाइवर कैन सीयू। एबीसी जॉइंट डोमिसी है, डी ने बोला था मैं आपको 3 लाख पे करूंगा, ए मर जाएगा तो ए का रिप्रेजेंटेटिव एंड बीसी, बीसी भी मर जाएंगे तो सभी के रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन तीनों को साथ में मिलके ही सीयू करना है, साथ में मिलके ही मुकदमा चलाना है। ए गिव्स अ प्रॉमिस टू बी एंड सी, आई विल पे 1000, ए ने बीसी को बोला मैं आपको 1000 पे करूंगा, बोथ बी एंड सी साथ में मिलके सी पे केस कर पाएंगे, इंडिविजुअली नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने देखा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल यानी मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अटेम्प्टेड यानी मैंने ट्राई किया, आपने लिया नहीं, मैं डिस्चार्ज और आपको मुझे कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, और वाइस वर्सा, बाद में कौन परफॉर्म करेगा, स्किल डिलीजेंस है और पर्सनल ट्रस्ट है, पेंटिंग सिंगिंग, तो हमें पर्सनली परफॉर्म करना है, अदर कॉन्ट्रैक्ट एजेंट भी कर सकता है, मर जाने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी करना पड़ता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेरी दी गई मिलकत तक ही पे करेंगे, 5 लाख की मिलकत है, 10 लाख की जवाबदारी है, तो मेरा बेटा सिर्फ 5 लाख पे करेगा, 10 लाख पे नहीं करेगा, थर्ड पार्टी ने कुछ पे कर दिया है तो पे कर सकता है, वो स्ट्रेंजर है, ताइत है, तीसरा व्यक्ति है, उसने पे कर दिया है, अगेन डोमिसी को मालूम है या नहीं है, डोमिसी से मनी नहीं मांग पाएगा, बी के बी आप सी ने पे कर दिया है, बी को मालूम नहीं है, तो ए है फिर से बी के पास नहीं मांग पाएगा। जॉइंट डोमिस में लायबिलिटी जॉइंटली सिवरली, जिंदा है तब सर्वाइवल, मरने के बाद उसके रिप्रेजेंटेटिव,
any person is unable, remaining will pay. Suppose let's see whether promisee discharged to any promisor, remaining are liable, but such person is relieved from the promisee, not the other co-promisor. A, B, C थे, D ने A को छोड़ दिया, तो D के अगेंस्ट में A छूटा है, B, C के अगेंस्ट में नहीं छूटा है, हमारा अधिकार है जॉइंटली है, साथ में मिलके, B, C ने A के पास 1000 लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, A नहीं दे रहा है, तो B और C साथ में मिलके सीयू करेंगे, अकेले नहीं, लायबिलिटी में सिवरली आएगा LS, राइट में सिवरली नहीं, राइट में सिर्फ जॉइंटली, लायबिलिटी जॉइंटली एंड सिवरली, राइट ओनली जॉइंटली, फ्रेंड्स सभी टॉपिक के इन डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेंगे, पहले से सीक्वेंस में वीडियो सुनो, पूरा वीडियो सुनो तो ही कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच.